यार, ये तो बारिश ही बहुत तेज हो रही है। मैं अभी दूध लेने के लिए निकला था, ऊपर से तो बारिश कम लग रही थी, फिर बढ़ गई एकदम से। 2-5 मिनट वेट कर लेता हूँ यहीं पे। हाँ, वापस ऊपर ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बारिश का अंदाज़ा नहीं होता यार। ऊपर से जब देखता तो लगता है कि पता नहीं बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर नीचे पहुँच के होता है कि इतनी तेज़ हो रही है ना। तो अभी थोड़ी देर वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही जा पाऊँगा मैं। तो यहाँ से देखोगे तो लगता है बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है, मेरे वैसे लगता है बहुत हल्की बारिश है, बट बहुत तेज होती है जब नीचे पहुंचते हैं। सो जी, सेकेंड अटेम्प्ट दूध लेने जाने के लिए। और अभी तो ये भी नहीं पता कि कई बार दूध आया भी है दुकानों पे, नहीं आया है बारिश की वजह से। और बारिश हल्की हल्की हो रही है, मुझे लग रहा है बहुत हल्की है, तो इसमें निकल जाऊंगा। देखते हैं अभी बाहर चल के, फिर से ऊपर नौ फिर ना जाना पड़ेगा। थोड़ी तो हल्की हुई है, होपफुली थोड़ी सी तो हल्की हुई है। नहीं यार, ये तो भीग जाऊंगा मैं पूरा, इसमें तो क्या करूं, बाहर निकल के देखूं। हाँ यार, इसमें तो भीग जाऊंगा पूरा इतनी देर में तो। अब मैं दुकान पे आके फंस गया, इधर बारिश तेज हो गई। अब बाइक धुल गई इसी बात ने ना, चकाचक। यहाँ से निकला ठीक ठाक, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे दुकान पे खड़े खड़े इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है ना भाई। ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग में ना पानी भरने लग गया है, उस साइड पूरा। ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये लिफ्ट भी बंद कर देते हैं, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। और राजवीर, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, इधर से नहीं पता चल रहा ना। नहीं, मैं तो बर्तन धोने में बिजी थी, मुझे पता ही नहीं लगा यार। तौलिया ला दो मेरे को, तौलिया और थोड़ा कपड़े दे दो, ये पकड़ो, इसमें पानी भरा हुआ है। तुमने, एक सेकंड रुको जरा, ये तो गीला तो नहीं हो गया होगा? नहीं, ये तो पैकेट सील होता है। बाइक क्या कहते, धुल गई होगी आज तो फिर पूरी, पूरे गीले हो गए तुम। सो जी, यहाँ पे हो चुकी है पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि आज हम जा रहे हैं रायकोट। कंचन के हो रही है पैकिंग, या डालो सर। क्या कंफ्यूज हो रहे हो, हैं क्या लेके जाऊं क्या नहीं? नहीं, कंफ्यूज नहीं, वो हाँ मतलब उस हिसाब से कपड़े लेके जा रही हूँ ना। ये तो सारे नाइट सूट वगैरह है, ये इसमें सूट डाल रखे हैं मैंने, उस पहले भी सूट पहले ही पैक थे ना, उसके अंदर जब वॉश करे तो पहले के अंदर ही, हमेशा याद रहे कि जब भी जा रहे हैं तो उसी के अंदर ही है कपड़े, सूट जो पहनने वाले होते हैं। बारिश सुबह से हो रही थी, अभी थोड़ी सी रुकी लग रही है, लेकिन पानी पूनी तो बहुत ज़्यादा भर चुका है। सोसाइटी में हमको एक डर है कि ना लिफ्ट बंद ना कर दे, क्योंकि एक लिफ्ट तो ये ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। पानी भर जाता है तो लिफ्ट बंद कर देते, फिर सामान उतारना थोड़ा हो जाएगा। और गाड़ी वहीं से घर वालों ने भेज दी है, रेडी ने वहीं से, अरे भाई आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ ही जाएंगे। बस उनको भी मैंने फूल करके बोल दिया है, बट जहाँ पर वो पहुँचे हैं उस साइड तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, एक बूंद भी नहीं है वो कहते। और अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, मैंने तो बोला उनको कि फिर ना राजपुरा के बाद ही मिलेगी बारिश, जो मिलेगी उनको लगेगा 1.5 घंटा आने में, तो अपना करते हैं सामान वगैरह पैकिंग वगैरह जो भी है। बाहर से जब आया था कि भीग गए थे कपड़े, तो इधर ही बाहर ही रखे हैं। हाँ यार, बारिश तो अभी भी हो ही रही है, हमारी सोसाइटी में तो पानी भरा दिख ही रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया इधर, क्योंकि इस साइड का एरिया ना थोड़ा ढलान है हम सारी साइड वाला, और उधर भी पानी तो सड़कों पर ज़्यादा भर ही गया है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है, उधर तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। 1-1.5 घंटा बारिश रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है यार, बारिश वगैरह से पानी वगैरह फिर भरेगा नहीं, तो लिफ्ट वगैरह बंद नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर में चल ही रही है इसको, कम से कम 6 घंटे हो चुके हैं बारिश को, कभी हल्की हो जाती है कभी बहुत तेज आती है, लेकिन बंद बिल्कुल नहीं हो रही है। सो जी, अभी जस्ट हम गेट कर रहे गाड़ी का, हमने इडली मंगा ली है, ये ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। इसे एक में डालो ना सारा। हाँ, एक में डालो, फिर सांभर सांभर, फिर सांभर, हाँ थोड़ा डालो, एक एक मंगाइए क्या? एक एक मंगाइए। अच्छा ठीक है, बड़ी होती है ना यार। हाँ हाँ हाँ, फिर इसी में डालो, सारा सांभर मत डालना बट ना, ठीक है थोड़ा सा ही डालना। और बारिश भी रुक गई है थोड़ी, पूरा कितना क्लीन क्लीन लग रहा है ना बाहर, बारिश के बाद हो जाता है, लेकिन बादल आए हुए हैं काले घने ना, अभी बारिश और होएगी। पता है बारिश का कल बोला था कि बारिश है, ठीक है,
कल का शेड्यूल था बट ये आज हो गई है। हाँ कल का था और ये आज आ रही है बट लेट होगी ना आने में। हाँ सो जी सामान अपना पैक हो चुका है, कंचन का सूटकेस एज यूजुअल, अपना बैकपैक एज यूजुअल, वेट हो रहा है बस भैया का। ये इसको साफ करने वाला हो गया पूरा, इसकी जो तो सर्विस करी जाए एक बारी, स्क्रैच वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लाइट वगैरह से एयरपोर्ट वगैरह से ना बहुत गंदा हो रहा है, साफ करने की ज़रूरत है। चलो जी क्या हमारे आगे गाड़ी नीचे बस एक लिफ्ट चल रही है, पहले ही बंद होगी। मैंने कहा था ना ना चल लिफ्ट में पानी नहीं, सुबह जब मैं दूध लेने गया था ना तभी बंद होगी, मैंने कर दी थी ना तभी बंद कर दी थी, तो 1:30 बजे मेरे ख्याल से 4:30 बजे तक पहुँच गई है। आज हम अपने फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, भैया का आया होगा, मम्मी का, मम्मी का, हेलो चिप्स चुप्स ले लेंगे। हाँ तो मैं ले लूँगा, मम्मी के साथ टॉक हो रही है, क्या कह रही है मम्मी कहाँ रहेगी आगे मिली है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम जब भी जाते हैं ना हमारे साथ ना कुछ ऐसा होता ही है, लिफ्ट का पंगा भी होता है और ऊपर से पंगा होता है हमेशा हमारी आंटी का, हमारी दीदी का जो आती नहीं है हमेशा हर बारी जाने से पहले वो ऐसे ही करती है, हमें जब भी घर जाना होता है बर्तन वॉश करती है, ऐसे ही रहता है हमारा सीन ना हमेशा। कैसा लग रहा है फिर, ये तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, मैं जा रही हूँ 1.5-2 महीने बाद घर पे। बढ़िया लग रहा है, उधर ही चल जाओ ना, बारिश तो आ नहीं रही ना, बारिश तो है ही नहीं, पानी सारा निकाल दिया, नहीं तो बहुत जमा हो गया है। हाँ ये देखो ना साफ ऐसे लग रहा है झाड़ू मारी हुई है इधर, मोटर मोटर तो निकाल के उधर कर दिया होगा, काई जम गई है यार, गंदी हो रही है पूरी की पूरी। सुबह भी जाते थे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं भूल गया अपना वॉलेट, इतना जरूरी नहीं था लेकिन उसमें मेरा लाइसेंस भी है तो गाड़ी को चलाना वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगी बिना लाइसेंस के, आधार कार्ड पैन कार्ड से जो इतना चक्कर भी था, तो अभी लेते हैं फटाफट, ज़्यादा गए नहीं थे बिल्डिंग के अंदर ही थे तभी फटाफट इतने याद आ गए मेरे को घुमा के वहीं से गाड़ी वापस ले आए। चलो पता नहीं था कल चंडीगढ़ में जो हो रहा था, किसान जो अंबाले हरियाणा तो आ रहे ने उन्होंने सीसीटीवी वैन भी खड़ी की थी भैया, बड़ी तगड़ी जगह है, आरक्षण हो रहा है, आरक्षण नहीं प्रदर्शन होता है वो। हमें तो लग गई है बहुत जोर से भूख, हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी कुछ खाने के लिए, है ना रोटी खाने के लिए। हाँ भूख लग रही है यार, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं तो थोड़ी थोड़ी देर में चिप्स खाई जा रही थी अंकल चिप्स, मैंने कहा इसको ख़त्म नहीं करती रायगढ़ जाने तक, फिर मैंने तुमको बोला मैंने कहा यार कुछ खा ही लेंगे यार, ऐसे क्या भूखे जाएंगे फिर और पेट में दर्द होने लग जाता खाली पेट ना, इडली भी एक ही खाई थी ना हमने, तो अभी ये जो ढाबा है ना इधर रोटी ही खाएंगे सीधा दाल रोटी। मजे से सोते सोते आ रहे हो ठीक है, मैं देख रही हूँ शीशे में तुम आराम से बड़े मजे से सो रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो तुम अपनी, जैसे तुम्हारी रात को हुई ना हो नींद पूरी ना, तुम बताओ दाल मखनी और रोटी राजवीर, है नॉर्मल तंदूरी रोटी सिर्फ ना ठीक है राजवीर, आज तो ये हमारी लंच डेट हो गया है राजवीर, लंच डेट हम दोनों कब से जाने वाले थे ना वहाँ पे डिनर डेट पे, घर जाते जाते हमारी लंच डेट हो गई आज, पता नहीं पता जब खुद गाड़ी चला के जाते हैं ना हाँ। तो फटाफट इतना वो लगता नहीं है कि लंबा सफर है हाँ। अभी तो बहुत लंबा सफर अभी लग रहा जैसे है। मैं बिजी रहता था गाड़ी हाँ। चलाने में इधर उधर ध्यान रहता था, अब मैं बैठा हूँ खाली तो मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा है, देखो मैं इधर कभी इधर हिल रहा हूँ कभी उधर हिल रहा हूँ, लग रहा है कि बहुत लंबा पता नहीं 5-6 घंटे लग जाएंगे बोलते बहुत धीरे धीरे, ऐसा ही होता है एक बार हमको तभी पटियाला से भी लगा था एक बार, ये टेबल इतना बड़ा है एक कोने में जी, और हमने मंगा लिया है कढ़ाई पनीर, सो यहाँ पे एक्चुअली डोमिनोज भी होना चाहिए था क्योंकि बहन ने डोमिनोज मंगवाया था, बट यहाँ से लापिनोज ही है और बरिस्ता है सब फिर मैकडी है, खाना पीना हो गया गाड़ी खड़ी अपनी उधर चलते हैं घर। कैसे हो
ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਦੇਖ ਬੇਲ ਕਿੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਓਹੋ मैं तो सोई नहीं, इतनी ज्यादा वो हो रही थी, क्या कहते हैं अभी तो ले आएंगे बाद में। किधर है सोनी सुती भैया? Hi. Hi guys. Did you wash your hands? No, I will wash Momo garden da ila. Momo. Oye, sunana kudi se muh chhi sun. Oye, to muh dekhe cute ho gayi hai bahut zyada. कुड़ी ने नहीं सराहना सराहना करके मिल लगी ना रख लगी तुम्हारी तरफ देख रही है एकदम शोर हो गया ना।